नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम HDFC बैंक का जो शेयर है उसके ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे क्या हो रहा है सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, ग्राफ को एनालाइज करने वाले हैं और आगे क्या हो सकता है उसका भी थोड़ा सा हम कुछ एनालाइज करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है जिससे कि आपको ग्राफ एनालाइज के ऊपर और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आपका अगर HDFC बैंक में शेयर है तो भी अच्छा है और नहीं है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ग्राफ एनालाइज के ऊपर पूरा नॉलेज मिल सकता है, कुछ नया सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है नॉलेज के ऊपर, और ये जो नॉलेज है आपको गेन करना पड़ेगा जो कि एक्सपीरियंस से आता है। तो एक्सपीरियंस जितना आपका ज़्यादा होगा शेयर मार्केट के लिए उतना ही आपका अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और HDFC बैंक का पूरा ग्राफ एनालाइज समझ लेते हैं और आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे का अगर हम बात करेंगे तो वन डे का बात करने से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1549 रुपये से शुरुआत हुआ है आज का, मतलब अभी तो अभी ग्राफ एनालाइज हो रहा है, अभी मार्केट ओपन है इसीलिए ग्राफ एनालाइज हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं 1555 अभी उसका प्रॉपर प्राइस हो चुका है। अभी कितना टाइम कितना हुआ है, 11 बज चुका है, तो 11 बजे का ये अपडेट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेट क्यों दिखा रहा है दोस्तों, देखिए शुरुआत जहाँ से हुआ है शुरुआत के ऊपर देखिए अभी इंक्रीज़ में ही जा रहा है लेकिन फिर भी रेट दिखा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए ये जो टारगेट है इसका जो टारगेट है उसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ आ गया था। अगर हम पिछले 5 डे का बात करें तो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 1 मंथ का अगर हम बात करें फिर भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो 6 मंथ या फिर 1 ईयर पहले से है। तो इसीलिए ये जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है बहुत ज़्यादा इसका प्राइस होता है तो ये लॉन्ग इन्वेस्टर ही ज़्यादातर आता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 1 मंथ का अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है, लेकिन अगर हम 6 मंथ का बात करेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अभी कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मंथ पहले जो इन्वेस्ट किए होंगे तो उसका अभी थोड़ा सा ही प्रॉफिट में चल रहा है, नुकसान पे नहीं चल रहा है लेकिन प्रॉफिट में भी थोड़ा चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है, मतलब जिसने भी खरीद के रखा है इसका शेयर तो उसका तो बार बार हार्ट बीट मतलब ऊपर नीचे होता ही रहता है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ही जल्दी उछाल आ रहा है, बहुत ही जल्दी गिरावट आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो महीना है जुलाई का महीना में मतलब शुरुआत में इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अगस्त का महीने से यहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है डिक्रीज से हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, तो फिर भी देखिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप 6 मंथ पहले इन्वेस्ट किए होंगे तो देखिए 1534 रुपये से आप ख़रीदे होंगे, सपोज़ मैं बोल देता हूँ, तो यहाँ पर अभी आपका प्राइस कितना है 5555। तो यहाँ पर कितना रुपये हो गया, यहाँ पर 34 रुपये था 1534 रुपये, तो यहाँ पे 6 रुपये 40 मतलब, तो यहाँ पे देखिए 6 मंथ से आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो अभी आपका कितना 21 रुपीज़ का ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही कम है। देखिए कोई भी कंपनी में अगर आप 6 मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो इतना मतलब इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब इतना कम अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ज़्यादातर प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि 6 मंथ का ज़्यादातर इन्वेस्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है अभी ये जो HDFC बैंक है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप 1 ईयर का बात करें तो आप एक देख सकते हैं आपके पास अच्छा खासा अर्निंग आपके पास मतलब प्रॉफिट में आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट, क्योंकि देखिए 1 ईयर पहले ये 1100 रुपये का था, अभी ये 1500 रुपये का हो गया, लगभग 400 रुपये का अभी इंक्रीज लेवल पे है। तो 1 ईयर पहले जो यहाँ पे इन्वेस्टर आया था तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम 1 डे का बात करें तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे उछाल दिखने को मिल रहा है। तो आज का अगर हम बात करते हैं तो आज भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज पॉइंट पे ही ख़त्म होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू ग्राफ एनालाइज, जैसे कि हम ग्राफ एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है। तो
तो आज का ये वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम हम जब यहाँ पे HDFC बैंक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हम 1 वीक का टारगेट भी बताने वाले हैं। पूरा 1 वीक का ग्राफ एनालाइज करने वाले हैं कि कैसे क्या हो सकता है, 1 वीक में हमें कितना इंक्रीज लेवल कितना डिक्रीज लेवल मिल सकता है देखने को, सब कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज का ये HDFC बैंक के ऊपर पहला वीडियो था तो इसीलिए हमने पूरा ग्राफ एनालाइज किया है, पूरा 1 साल से लेके 1 डे तक पूरा ग्राफ एनालाइज किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1 वीक में क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।